स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में हर प्रोफेशन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। चाहे जान बचाने वाले डॉक्टर्स हों, लोगों को लिटरेट करने वाले टीचर्स हों, लोगों की रक्षा करने वाले डिफेंस प्रोफेशनल्स हों, या फिर फिजिकल लेबर करने वाले डेली वर्कर्स। लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जिसके बिना हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज घर से निकलते ही आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या दूसरी चीज़ें दिखती हैं, उसमें एक प्रोफेशन का योगदान सबसे ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स की। कई सदियों से इंजीनियर्स इमेजिनेशन और फैंटेसी को टैंजिबल और यूजफुल चीज़ों में बदलते हुए आए हैं। उदाहरण के लिए, वर्ल्ड की सबसे सिंपलिस्टिक लेकिन सबसे रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, व्हील के इन्वेंशन को देख लीजिए, जो बताता है कि कैसे इंजीनियरिंग ने हमेशा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इंडस्ट्रियल एज के शुरू होने के बाद से इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस और भी तेजी से बढ़ा है। माइक्रो प्रोसेसर्स, हाई स्पीड मोटर्स, सेलुलर नेटवर्क्स, पावर ग्रिड्स, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस और ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग मार्वल्स के बिना मॉडर्न वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होती। आसान शब्दों में कहा जाए तो आज कंस्ट्रक्शन से लेकर एरोनॉटिक्स तक और मेडिसिन से लेकर इन्वायरमेंट तक हर जगह इंजीनियरिंग मौजूद है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है और इसे परस्यू करने वाले लोगों को काफी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में इंजीनियरिंग समय के साथ एक फेल्ड डिग्री बन चुकी है। एक समय ऐसा था जब देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंजीनियर्स की सख्त जरूरत थी और उस समय स्टूडेंट्स ने इंजीनियर बनकर देश सेवा की। वहीं एक आज का समय है जब इंजीनियरिंग डिग्री के सिलेक्शन को बाय चॉइस नहीं बल्कि बाय चांस समझा जाता है। इंजीनियरिंग परस्यू करने के बाद लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अब लोग इंजीनियरिंग को एज अ डिग्री परस्यू करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। यूथ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जहां दूसरे कोर्सेज में एनरोलमेंट की संख्या भी बढ़ रही है, वहीं इसके बावजूद इंजीनियरिंग कोर्सेज में एनरोलमेंट लगातार कम होता जा रहा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस और MBBS जैसी डिग्रीज में जहां बच्चों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, वहीं BTech डिग्री में एनरोलमेंट 2016-17 में 40.8 लाख से कम होकर 2020-21 में 36.6 लाख पर आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज कंट्री में मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को अनएम्प्लॉयबल की संज्ञा दी जाती है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या फिर उन्हें अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जॉब नहीं मिलती। देश के अच्छे और काबिल इंजीनियर्स बिलो पार सैलरी पर काम करने को मजबूर हो गए हैं। इसी वजह से भारत ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा है, क्योंकि जो काबिल इंजीनियर भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते थे वो फॉरेन जाकर सेटल हो रहे हैं। यानी भले ही हम फॉरेन कंपनीज के CEOs को देखकर इस बात पर खुश हो जाएं कि वो लोग इंडियन ऑरिजिन के हैं, पर हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि आखिर क्यों ये कैपेबल लोग भारत में रहकर किसी इंडियन कंपनी को इतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा पाए। आज के अपने वीडियो में हम भारत में इंजीनियरिंग डिग्री की सिचुएशन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हम अपनी रिसर्च के जरिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड इकट्ठा किया गया डेटा आपके सामने रखेंगे। हम समझेंगे इंजीनियरिंग डिग्री की राइज एंड फॉल की ट्रेजेक्ट्री को और जानेंगे कि क्या सच में इंजीनियरिंग आज के दौर में एक फेल्ड डिग्री बन चुकी है, और अगर ऐसा है तो इंजीनियरिंग डिग्री की सिचुएशन के लिए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और GS मेंस के Paper 1 और Paper 2 और ऐसे के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कंडीशन को समझने के लिए चलिए कुछ रेलेवेंट डेटा को उठाकर देखते हैं। 2016-17 में 3,291 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टोटल 15.5 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स थी, लेकिन उनमें से 51% सीट्स वेकेंट थी। इसी तरह 2020 में 14.9 लाख सीट्स में सिर्फ 10 लाख सीट ही फिल हो सकी। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-20 में हायर एजुकेशन में 3.85 करोड़ एनरोलमेंट हुए थे, वहीं 2020-21 में ये फिगर बढ़कर 4.14 करोड़ पहुंच गया। यानी यूथ पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एनरोलमेंट बढ़ रही है। इस 4.14 करोड़ के एनरोलमेंट में से 78.9% यानी लगभग 3.26 करोड़ स्टूडेंट्स सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एनरोल हुए हैं, वहीं 11.4% यानी करीब 47.16 लाख लोग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एनरोल हुए हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हाईएस्ट एनरोलमेंट आर्ट स्ट्रीम में देखी गई, जिसमें 33.5% बच्चों ने एडमिशन लिया। इसके कंपैरेटिव साइंस में 15.5%, कॉमर्स में 13.9% और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सिर्फ 11.9% बच्चों ने एडमिशन लिया।
एनरोलमेंट के ईयर्स के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव स्टडी बताती है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्स को छोड़कर दूसरे सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 2016 से 2021 के बीच एनरोलमेंट बढ़ी है, लेकिन इंजीनियरिंग डिग्रीज के एनरोलमेंट में करीब 10% डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले जहां 40 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री के लिए एनरोल कर रहे थे, वहीं अब सिर्फ 36 लाख के करीब स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चे इंजीनियरिंग कोर्सेज में एनरोल करके ग्रेजुएट होते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। रिसेंटली कंडक्टेड सर्वे बताता है कि भारत में 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स में जॉब करने को मजबूर हो जाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। 2017-18 में AICTE से अप्रूव्ड कॉलेजेस में टोटल एनरोल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को जॉब मिली। 7.92 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर्स में से 3.59 लाख ग्रेजुएट्स को कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिली। दोस्तों, बीटेक में सबसे डिमांडेड कंप्यूटर साइंस ब्रांच का डेटा भी हम देख लेते हैं, तो भारत में 38% कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास कोडिंग स्किल नहीं होती और इन्हें ट्रेनिंग के दौरान कोडिंग सिखाई जाती है। इसके कंपैरिजन में यूएस में सिर्फ 4% कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास कोडिंग स्किल नहीं होती। इन सब डेटा से पता चलता है कि भारत में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कंडीशन काफी कंसर्निंग है। लेकिन दोस्तों, इंजीनियरिंग के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो सब सवाल ये उठता है कि आखिर इंजीनियरिंग डिग्री में आज से कुछ साल पहले इतना बड़ा स्पाइक देखने को क्यों मिला था। देखिए, भारत में इंजीनियरिंग डिग्री के इतने पॉपुलर होने के लिए कई सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। पहला रीजन था इकोनॉमिक ग्रोथ। घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 80s के दौर में, जब भारत एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटस अचीव करने की कोशिश कर रहा था। लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरी में इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी बढ़ रही थी। इस दौरान भारत में फैक्ट्रीज लगातार बढ़ती जा रही थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा था, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, हर तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही थी। एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बाद जब रूल्स और रेगुलेशन में थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ तो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा पुश मिला। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग डिग्री को परस्यू करना शुरू कर दिया। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के इंटीग्रेशन होने के बाद सिचुएशन और बेटर हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, जिसके लिए स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स की जरूरत थी। इसी के साथ भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप के बढ़ते हुए कल्चर की वजह से भी इंजीनियर्स की डिमांड में इंक्रीज देखने को मिला। दूसरा रीजन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम। 1990s और 2000 में आईटी इंडस्ट्री का राइज देखने को मिला, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने लगी। आईटी इंडस्ट्री के इस बूम ने इंजीनियरिंग को एज अ करियर चॉइस पॉपुलराइज करने में काफी रोल निभाया है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम। प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम की एस्टैब्लिशमेंट करी गई, जिसने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिटी एजुकेशन लेकर इंजीनियरिंग करना काफी इजी बना दिया। उदाहरण के लिए AIEEE या ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टैब्लिश किया गया, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन सिक्योर करता था। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स भी अपने यहाँ कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। अगला रीजन है जॉब अपॉर्चुनिटी। इंजीनियरिंग में वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती थी, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अब्रॉड। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाकर सेटल होने का सपना देखते हैं, वो अपने लिए इंजीनियरिंग का पाथ चूज करते हैं, क्योंकि ये डिग्री एक स्टेबल और वेलपेइंग जॉब दिलाने में सक्षम थी। पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंजीनियरिंग डिग्री को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर में इंक्रीज देखने को मिला। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में बच्चों को उसी फील्ड में करियर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है जिसमें ऑलरेडी फैमिली के लोग सेटल्ड हों। गवर्नमेंट भी भारत में टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आई है। गवर्नमेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खूब इन्वेस्टमेंट की, जिसने इंजीनियरिंग को पॉपुलर करने में एक सिग्निफिकेंट योगदान दिया। दोस्तों, सभी रीजंस की वजह से पूरे देश भर में ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए। इतने सारे कॉलेजेस ने इंजीनियरिंग डिग्री को एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल बना दिया था, जिसने इंजीनियरिंग डिग्री को और भी ज्यादा पॉपुलर किया। लेकिन कुछ दशक के राइज के बाद भारत ने इंजीनियरिंग डिग्री के डाउनफॉल को विटनेस किया, और वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, रीसेंट डेवलपमेंट्स में देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स के नंबर में काफी ग्रोथ हुई है, साथ ही अब इंजीनियरिंग की वो वैल्यू नहीं रही जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। चलिए समझते हैं इंजीनियरिंग के डाउनफॉल के लिए पॉसिबल रीजंस को। पहला रीजन है मशरूमिंग ऑफ कॉलेजेस। 1990 में भारत में सिर्फ 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे, जो अगले 10 साल में बढ़कर 776 हो गए।
लेकिन इसके अगले 10 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज के नंबर ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रजिस्टर की और 2010 तक ये बढ़कर 10,727 पर पहुंच गए। आज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग भारत में उनके द्वारा अप्रूव्ड 1,00,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री के बूम ने इंजीनियर्स की जो डिमांड क्रिएट करी थी उसे पूरा करने के लिए देश भर में बिना डिमांड और सप्लाई को एनालाइज किए कॉलेजेस खुलते गए। इस वजह से कंट्री एक ऐसे फेज में पहुंच गई जब 22 से 26 साल के एज ग्रुप में हर 4 में से एक व्यक्ति इंजीनियरिंग प्रोफेशन में था। इनमें से मोस्टली कॉलेजेस से निकलने वाले ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि इनका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर होता है और यहाँ का कोर्स वर्क भी आउटडेटेड होता है। इंजीनियरिंग डिग्री के फेल का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सोसाइटल प्रेशर के चलते इस कोर्स को चूज करना। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए मैथ और साइंस के लिए बहुत ज्यादा पैशन होना चाहिए। यानी इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए जिन्हें इन सब्जेक्ट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट हो या फिर इस डिग्री में जेन्युइन इंटरेस्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स सोसाइटी के प्रेशर के चलते सेफ करियर ऑप्शन चूज करने के होड़ में और अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री को चूज कर लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो रिगरस कोर्स वर्क के साथ कोप अप नहीं कर पाते और नेसेसरी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। एट लास्ट ग्रेजुएशन के बाद या तो इन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है या फिर अंडर एम्प्लॉयड। तीसरा रीजन है कि भारत में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो कंटिन्यूअस लर्निंग और इनोवेशन डिमांड करती है और अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं कर पाते तो आप अपने कंपटीशन वाले दूसरे स्टूडेंट से काफी पीछे रह जाएंगे। यानी कोई भी स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री को लेकर जॉब सिक्योर नहीं कर सकता बल्कि उसके लिए टाइम के साथ इवॉल्व होते हुए नेसेसरी स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ता है। जब स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ फैमिलियर होंगे तभी वो इस फील्ड में रेलेवेंट रह पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में इंजीनियर्स ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री के चेंजेस के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते जो उन्हें पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देता है। एक और रीजन ये भी है कि ऐसा स्टीरियोटाइप है कि 12वीं के बाद इंजीनियरिंग एक सेफ करियर ऑप्शन है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का मैसिव इन्फ्लक्स देखा गया है जिसने मार्केट में सैचुरेशन की स्टेज क्रिएट कर दी। यानी अब इंजीनियरिंग की डिमांड कम है लेकिन इंजीनियर्स की सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे इंजीनियर्स रिपीटेड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एजुकेशन भी बिलो पार होती है जो इंजीनियर्स के लिए जॉब ढूंढना और मुश्किल बना देती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है इंजीनियरिंग डिग्री के बाद ऑफर की जाने वाली सैलरी। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का नंबर काफी कम है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग डिग्री पूरा करने वालों के पास रिलेटिवली अच्छे पैकेजेस पर जॉब ऑफर्स मौजूद होते हैं लेकिन वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर्स के लिए इतनी जॉब ऑप्शंस मौजूद नहीं है। इसके चलते मोर नंबर ऑफ इंजीनियर्स और लेस नंबर ऑफ जॉब्स की वजह से कंपनीज इंजीनियर्स को लो पैकेजेस पर हायर करने का ऑफर करती हैं। जॉब पाने के लिए कई इंजीनियर्स इतनी लो सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो भी जाते हैं। हालांकि कई केसेस में आगे चलकर इंजीनियर्स के लो पैकेजेस में इंक्रीमेंट भी हो जाती है जिसके बाद वो काफ़ी हाई अर्निंग्स कर पाते हैं लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इतने लो पैकेजेस पर मिलने वाली जॉब्स को इंजीनियर्स रिजेक्ट कर देते हैं और इंजीनियरिंग छोड़कर दूसरे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसीलिए लो सैलरी भी बड़ा रीज़न है इंजीनियरिंग डिग्री के फेल होने का। तो सुन तमाम समस्याओं को देखकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में बीटेक एज ए डिग्री भारत में फेल हो चुकी है या अब भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर हम इससे रिलेटेड डेटा को देखें तो पता चलता है कि भले ही इंजीनियरिंग डिग्री में एनरोलमेंट डिक्रीज हुआ हो लेकिन न्यूमेरिकल टर्म्स में अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अभी भी देश में लगभग 35,00,000 लोग इंजीनियरिंग को एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का क्रेज पर्टिकुलरली एक ब्रांच को लेकर ज्यादा है और वो है CS यानी कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग की इस ब्रांच को छोड़कर बाकी सभी ब्रांचेस में एम्प्लॉयमेंट काफी कम है। नास्कॉम के एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का IT इंडस्ट्री 8% से ज्यादा के रेट के साथ ग्रो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट IT इंडस्ट्री ने इसी साल दी है और लगभग 2,00,000 लोगों को अपना हिस्सा बनाया है। IT इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर करियर चॉइस बनता है। साथ ही साथ बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्पेशलाइज्ड एरियाज की ग्रोथ ने ट्रेन्ड IT प्रोफेशनल्स की डिमांड को और बढ़ा दिया। इसलिए इस फील्ड में स्किल्ड बीटेक ग्रेजुएट्स को IBM, HP और माइक्रोसॉफ्ट जैसे मल्टीनेशनल जायंट्स से जॉब ऑफर मिल सकते हैं। आने वाले समय में भी स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है और इसी के साथ
बीटेक ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इंडीड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग बीटेक ग्रेजुएट्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑन एन एवरेज 2.6 लाख पर एनम अर्न करते हैं, जो दूसरी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। बल्कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन कुछ फील्ड्स में से एक है जहां बीटेक ग्रेजुएट्स दूसरे अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले लोगों को आउट अर्न कर देते हैं, और इसके लिए काफी सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है। पहला रीजन यह है कि बीटेक एक वेल राउंडेड एजुकेशन ऑफर करता है, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज के साथ साथ दूसरे करियर पाथ के लिए भी तैयार करता है। दूसरी तरफ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स बीटेक डिग्री की वैल्यू करते हैं, क्योंकि बीटेक डिग्री न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी दर्शाता है। इंजीनियरिंग डिग्री किस इंस्टीट्यूट से ली गई है, इस बात का भी एम्प्लॉयमेंट पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए IIT, NITs या फिर बिट्स पिलानी जैसे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ली हुई बीटेक डिग्री आपको बहुत अच्छी जॉब दिला सकती है। द हिंदू की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी उनके कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है जिन्होंने दूसरी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज ले रखी हों। IIT का दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मुकाबले काफ़ी हाई प्लेसमेंट रेट होता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि IIT, NITs या फिर अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स लेना सबके लिए इतना फीजिबल और आसान नहीं है। और इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी इंस्टीट्यूट्स के बीटेक ग्रेजुएट्स के साथ सिचुएशंस काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में एम्प्लॉयमेंट मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स का ना होना या फिर लेस वैकेंसी का होना, और कई बार एक क्वालिटी पीयर ग्रुप का ना होना भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पीयर ग्रुप को बेहतर बनाते हुए एस्पायरिंग इंजीनियर्स अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहें, क्योंकि रेलिवेंट स्किल्स को सीखकर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने के लिए बीटेक ग्रेजुएट्स अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी रीजंस की वजह से बीटेक को एक फेल्ड डिग्री नहीं कहा जा सकता। हालांकि डिग्री किस इंस्टीट्यूट से ली जा रही है उसे लेकर थोड़ा सिलेक्टिव हुआ जा सकता है, जो काफी बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल का अप्रोच क्या है उस डिग्री को लेके, वो अपनी डिग्री के दौरान अपने कोर्स को लेके अपने स्किल्स को लेके कितना अवेयर है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऐसे बहुत से Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस भी हैं जहां से बहुत लेजेंडरी इंजीनियर्स निकले या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स निकले जिन्होंने लाइफ में आगे चलकर भारत के डेवलपमेंट और भाग्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। भारत में इंजीनियरिंग एक्सलेंस का रिच ट्रेडिशन रहा है, क्योंकि यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जो वर्ल्ड में कंसिस्टेंटली वन ऑफ द टॉप रैंक्ड इंजीनियरिंग स्कूल्स की पोजीशन पर बने रहते हैं। साथ ही इंडिया का इंजीनियरिंग करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी इक्वली फोकस करता है। रही बात जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो भारत में इंजीनियरिंग की डिमांड अभी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि IT, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च जैसे ग्रोइंग सेक्टर्स में इनकी नीड है। और जैसे जैसे भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा, वैसे वैसे इंजीनियर्स का इस ट्रांसफॉर्मेशन में रोल और भी अहम हो जाएगा। हालांकि ये समझना भी बेहद जरूरी है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भारत में कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का कॉम्पिटिटिव नेचर, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर और कॉन्स्टेंटली स्किल्स को अपग्रेड करने की नीड कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिन्हें इंजीनियर्स को पार करना होता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद करियर प्रोस्पेक्ट, पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटल इम्पैक्ट के हिसाब से रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, अगर इस वीडियो में बताए गए सॉल्यूशंस को कंसीडर किया जाए। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के एवोल्यूशन के साथ इंजीनियरिंग हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के फोर फ्रंट पर ही रहेगा। लेकिन आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन पाएंगे या नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की अप्रोच के ऊपर डिस्कस करता है कि आप बीटेक की डिग्री को किस तरह से अप्रोच करते हैं, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं और अपने पीयर ग्रुप के साथ कितना कुछ सीख पाते हैं। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो गलतियां कर रहे होंगे अपनी बीटेक डिग्री के साथ उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर पुअर स्टेट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।